क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द मेक अ टेबल एंड ड्रॉ अप्रोप्रिएट ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ये जो डाटा दिया गया है दो पार्ट हैं इसके, इनका ग्राफ बनाएं। ठीक, अब एक बैग है, उसमें जो रेड बॉल हैं रेड वो 50 हैं, जो ब्लू हैं वो 20 हैं, और जो ग्रीन है वो 30 है, जो ब्लैक है वो 15 है, और जो येलो है 35 है। ओके, यानी ये टोटल 150 वाल उसने बताया हमें। अब देखें, जब हमें ऐसे डाटा दिया हो ना, अब उसने कहा खुद ही ग्राफ बनाए। जब ऐसे क्वालिटीज है ना, ये खसूसियात है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो इस तरह के जो वैल्यूज हो ना, इसको हम क्वालिटीज कहते हैं। ये क्वालिटीज दी गई हैं, खुसियात दी गई हैं, तो इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कौन सा होगा हमारे पास? बार ग्राफ होगा। जब क्वालिटीज दी हों, डिस्क्रीट डाटा ना हो, तो फिर बार ग्राफ यूज करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरा आ गया डाटा। ये बेटा सेम ही होगा हर किसी में ना, इस तरह जो आप ड्रा करते हैं, तो ये हर किसी में आपने ऐसे ड्रा करना है। इसको अब देखे ना, हमारी वैल्यू तकरीबन 50 तक है, तो अगर हम 10 10 का डब्बा ले लेना ऐसे ही 10। अब जो काउंटिंग है वो हम इस तरफ ले लेंगे, 10 20 30 40 50, और इस तरफ वो सारा कुछ रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक येलो। ठीक है, बस मैंने इनके पहले पहले इनिशियल्स लिख लिए हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरफ हमने कलर्स लिए हैं, इस तरफ बॉल्स ले लिए हैं। ठीक है, तो रेड जो है, रेड 50 है, तो यहाँ 50 तक इसको हम खींच लेंगे। ठीक है, ये ले, ये आ गया जी बार ग्राफ। बार ग्राफ कब बनाते हैं? जब हमें ऐसे क्वालिटीज दी होंगी, जब दोनों दूसरा होगा फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे, दोनों में काउंटिंग होगी। तो अब जो ब्लू है, ब्लू हमारे पास 20 है, तो ये 20 तक। अच्छा, हिस्टोग्राम में मिला के लिखना होता है, बार ग्राफ में ऐसे लैदा लैदा लिखना होता है। उसके बाद ग्रीन जो है वो हमारे पास 30 है, 30 तक खींच लेंगे, जिसमें आप वक्फा दे के भी लिख सकते हो थोड़ा सा। ओके, उसके बाद ब्लू है, ब्लैक है, ये ब्लू था और ये ब्लैक। ब्लैक कितना है? 15, यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा 15। उसके बाद येलो 35 है, 30 से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर। ओके बच्चों, इधर से आपने ये देख लेना ना, 30 और 40 के दरमियान तकरीबन 45 होता है। अब यहाँ अगर मेंशन करना है कि ऑन एक्स एक्सिस क्या है, वन बॉक्स क्या है, वन कलर, एक कलर को जाहिर करेगा, और ऑन वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वन जो बॉक्स है वो हमने ये 10 10 का लिया हुआ है। ठीक है, 10 बॉल्स। तो इस तरह ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट भी हल हो गया। इधर हमने कलर ले लिए, इधर उनकी वैल्यू ले ली, 10 10 का डब्बा ले लिया। रेड के लिए 50 था, 50 तक ऊपर ले जाएंगे, दूसरा 20 था, 20 तक ले जाएंगे, तीसरा 30 है, 30 तक खींच लेंगे, 25 है तकरीबन, दोनों का हाफ बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये मेंशन कर देना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर कलर दें, इधर बॉल दें, और इधर बता देना कि ये हमने क्या किया है। ठीक है।
उसके बाद जी इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का ही। अब इसमें जो नंबर 1 है जी डाइस वगैरह का दिया हुआ, ठीक है। डाइस 120 टाइम्स है, जो 2 है वो 35 टाइम्स है, 3 40 टाइम्स है, 4 25 टाइम्स। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 ये पहले बना हुआ है। देखें हमारी जो वैल्यूज है ना उनकी रेंज 50-60 तक है, तो हम 10-10 का डब्बा ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 और 60। अब इसके लिए अब देखें दोनों डाटा जो है ना वो डिस्क्रीट है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब होल नंबर्स हैं, 1 2 3 पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ना ही ऐसे इंग्लिश में है। तो इसके लिए हम बनाते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। अब जो पहला है 1 जो है वो 20 तक है, 1 क्या है 20 तक, ये आ गया 20 तक। 2 जो है वो 35 तक है, अब इसके मिला के लिखना है ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे ले लेंगे, ये तकरीबन 35। तीसरा 40 तक है, ये आ गया 40। अच्छा मैंने इधर लिखा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरा 40 तक ये आ गया, उसके बाद 4 वाला 25 तक है, तकरीबन इसके बराबर आ जाएगा ऐसे। आगे पांचवा 53 तक है तकरीबन, 53, ये 50 और उससे थोड़ा सा ऊपर 53 आ जाएगा। इधर से इसको बढ़ा लेंगे, ये तकरीबन 53। और जो लास्ट वाला है वो 27 है तकरीबन, ये 25 था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये तकरीबन यहाँ पर। ओके जी, लें जी इस तरह ये भी हमने बना लिया। अब सवाल के अंदर उसने जो ना रीज़न ओरिजन पूछी थी हमें, उसने कहा था जो आप ग्राफ बनाएंगे ना बैग वाई, ये भी बताओ। तो ये वाई मैं लिखने लगा कि चूंकि डाटा डिस्क्रीट है, एस डेटा इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब बच्चों क्या होता है गिनती। सो वी यूज्ड हिस्टोग्राम, अब एक्स एक्सिस था ये ऐसे आपने लिखना है हर किसी में, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो वैल्यूज थी ये हमारी डाइस थी, डाइस की वैल्यू यानी 1 2 3 4, और इस तरफ हमने जो लिया था वो नंबर ऑफ ऑकरेंस था, यानी कितनी दफ़ा वो आया, नंबर ऑफ, यानी जब हम लूडो खेलते हैं ना आपको पता है ना हमने बार 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 फेंकना होता है, तो ये इसी को उसने ऑकरेंस कहा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं इतनी दफ़ा फेंकते हैं, तो इस तरह ये सवाल भी हमारा हल हो गया। उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 नंबर, एक नंबर को जाहिर कर रहा है ना, फिर 2 को 3 को। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, 1 बॉक्स इक्वल टू 10 टाइम्स ऑकरेंस, ठीक है, एक जो बॉक्स है वो 10 दफा की ऑकरेंस को जाहिर करेंगे। इस तरह भी ये हमने एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट कर लिया।